दूध पेड़ के आते हैं भाई मेरा पहन रहा है, हाथ वो चला ही गया, वो भी जा ही रहा है, तो सही कटा है, वो फंस गया। अंधेरे में तो और ज्यादा दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा किधर से ले जाए। ये तो अभी से इतना तगड़ा ऑफ रोड शुरू हो गया, रोड तो बना हुआ था, ये अचानक ऐसे कैसे हो गया? अचानक मतलब पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, या तुम लोग गलत रास्ता ले लिए, पूछना पड़ेगा एक बार रुक के किसी से। वो तो भागे जा रहा है, पता नहीं क्यों, किस बात की जल्दी है इतना, एक बार पूछ ले किसी से, सोच रहे हैं किससे पूछे, कोई दिख भी नहीं रहा, बच्चे से क्या पूछे। वैसे गाड़ियां तो आ रही हैं, कहीं बेनी लिखा हुआ भी नहीं दिख रहा है, बेनी लिखा रहा था तो कन्फर्म यही रहता, कहीं पढ़ लें पोखरा बजा लूँगे सिद्धि गढ़ूंगे पति खला लावा, पूछना पड़ेगा, वो स्कूटी वाले से पूछते हैं एक बार, स्कूटी वाला हो स्कूटी वाली ना हो नहीं तो पूछ भी ना पाए। भाई मुक्तिनाथ का रास्ता यही है, मुक्तिनाथ का, मुक्तिनाथ का रास्ता यही है, मस्तांग जोमसोम यही है ना, हम भी उधर ही जाते, बेनी यही जाता है ना, हम भी बेनी जाते हैं। थैंक यू थैंक, आओ चलो चलो भाई, कन्फर्म हो गया, ये रास्ता इतना पतला पतला लग रहा है ना, हमको कन्फ्यूजन हो गई थी कि वो नहीं होगा, गलती कोई ना, गलती से भी अच्छे रास्ते पे आ गए। ला 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 ला, इस समय तो बहुत ख़राब हो गया है, ऐसा तो नहीं था, फोर लेन बना हुआ था पूरा, इतनी लैंडस्लाइड हुई पड़ी है ना, रोड का काम हर जगह नेपाल में बहुत चल रहा है। ला ला ला, ये तो अच्छा हुआ बारिश वाला मौसम हो गया, थोड़ा धूल मिट्टी कम हो गई अभी और धूप भी कम हो गई, उधर चलना भाई, देखते हैं, सब इतना बड़ा बैग है फिर भी। ओहो ये देखो नज़ारे ओपी, ओ भाई मेरे, नदी के बगल में आ गए एकदम हम लोग, ये सही है, अभी को जाके इतना अच्छा व्यू दिखाया पहली बार, नहीं तो बड़ा ऊपर ऊपर ही रह रहे थे नदी से, बारिश हुई इस वजह से बहाव तेज हो गया, पानी बढ़ गया, नहीं तो उधर साइड तो इतना पानी नहीं है। अरे ले गया ले गया ले गया, पूरा ले गया धूल मिट्टी से, यहीं से इतना ऑफ रोड स्टार्ट हो गया, सोचो अभी जब मस्तांग के पास पहुंचेंगे तब क्या होगा, फिर रुक गया सब। अच्छा क्या कर रहे हो भाई, वही है जो समाज गंदा कर रहा है, वही 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 वही, ध्यान से देखिए इसको, यही है जो समाज गंदा कर रहा है, ये करवा रहा है, हाँ देखो वो रहा फोर लेन, हम कह रहे थे ना फोर लेन, देखो वो सामने है, इतनी दूर खराब था, हम भूल गए थे, एक साल हो गया डेढ़ साल आए हुए, वहाँ से स्टार्ट है, अब मस्त दबाएंगे 100-110 उस पर, क्योंकि बहुत अच्छा हाईवे है, ना कोई एक गड्ढा है ना ब्रेकर है, छोटे छोटे वाले ब्रेकर हैं बस थोड़े थोड़े, क्या ठीक है भैया, और कुछ आदेश, आइए मालिक, सबको पेट्रोल की चिंता, अब हम क्या उससे बताएं कि मेरी तो इतने में जाके आ भी जाएगी आराम से, लेकिन पेट्रोल आप लोग पहले ही ले लेना इधर ही, क्योंकि जितना आगे जाओगे उतना महंगा होते जाएगा, वैसे भी यहाँ 175-180 यही चल रहा है, मतलब 175 कुछ है, 180 मैक्सिमम बताएं तो कुछ। क्या व्यू है क्या व्यू है, कसम से दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया, जैसे वो मूवी में बोलता है ना, इतना मस्त मौसम है, हम क्या बताएं, शब्द वर्ड सब कम पड़ जा रहे हैं मेरे, हाय जर्मन, बहुत मज़ा आ रहा है कसम, बहुत मज़ा आ रहा है, सामने देखो एकदम, इससे खूबसूरत चीज़ पहले तो नहीं देखी है, पीछे धूप है आगे छाँव है बगल में बारिश जैसा हो रहा है, एक नंबर मौसम हो गया, मज़ा आ गया पूरा,
भगवान जो करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई वजह ही होती है। देखो इतना अच्छा मौसम, बोले देर से जाओ तुमको अच्छा मौसम देंगे, सुबह धूप में मत जाना। हमने कहा ठीक है भाई, भाई कह रहे हैं ठीक है जी, सब सही है, तेल ले लिया जाए यहाँ पे। हाउ आर यू, समझ ही नहीं आया क्या? यस सर, नेपाली हो नहीं? नेपाली, आई विल गिव यू नेपाली ओनली। यस यस, यूपी छो, मुक्तिनाथ जाने बाटो है। थोड़ा स्पीड तेज करें, इन दोनों को पकड़ें। हम लोग पंप पे रुके थे, बगल में बस खड़ी थी, वो देख नहीं पाए, आगे चले गए दोनों के दोनों। और दोनों महाशय एक साथ ही हैं, भले आप पीछे रह जाओ आगे रह जाओ, उन सबको रुकना ही नहीं है ना। कॉल करेगा तो उसका लगता ही नहीं है, पता नहीं क्यों क्या सिम है उसका, वही सिम मेरा भी है, एनसेल वही उसका भी है, मेरा हमेशा लगता है, उसका कभी नहीं लगता है। पिछली बार ऐसे हमको काठमांडू से आते वक्त, अभी परसों उस दिन सब छोड़ दिए थे, अपने बैठ के चिकन चाउमीन खा रहे हैं, मतलब मेरे ही घाटा है हर जगह से। हम सबका इंतज़ार करते हैं, मेरा इंतज़ार कोई नहीं करेगा। मौसम देख रहे हो, एक नंबर मजा आएगा आपको, इतने प्यारे प्यारे ब्लॉग बनाऊंगा, इतना अच्छा अच्छा सीन दिखाऊंगा ना, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मेरा तो हो ही रहा है, आपका भी, सामने देखो, और क्या ही चाहिए। इतना अच्छा हाईवे रहे, बगल बगल में पेड़ पौधे पहाड़, अच्छा मौसम, और ज़िंदगी में क्या चाहिए। भगवान पैसे देते रहे थोड़े बहुत घूमने के। बस जोम सोम यहाँ से 146 हमें लेना है, राइट राइट राइट, कैसे लेना है रास्ता तो सीधा है, देखते हैं अभी क्या है। थैंक यू, कह रहे एकदम सीधा सीधा चला जा, मतलब नेपाली में कुछ बोली हमको इतना समझ में आया, एकदम सीधा सीधा जाना है भाई, चलो चलो। हाँ भाई करोगे ही रे, सामान अपने पे रखो तब पता चलेगा क्या होता है। मेरी गाड़ी लोड है फिर भी इतना 110-115 चल रही है इस पे। ये लोग बिना लोड के आराम से जो मजे में चल रहे हो ना, तुम लोग बताऊंगा, टेंशन मत लो। सबके कपड़े अभी कीचड़ में गिराऊंगा, पहुंचने दो थोड़ा ऑफ रोड वाले रास्ते में, उसके बाद लोगों के रिएक्शन इतने तगड़े आ रहे हैं ना, हिमालयन की आवाज़ से मतलब दूर से ही सुनाई दे रही होगी कोई अच्छी तगड़ी गाड़ी आ रही है। और इसके लाइट जब एक बार जला देते हैं ना, लोग ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं, कमाल के रिएक्शन आते हैं। अभी दिखाता हूँ, रुक जाओ, बारिश हो रही थी थोड़ा थोड़ा, रुक गए, फिर बूंदा बांध लियो वो ठीक है, उतना चल जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा ना हो, नहीं तो मज़ा खिड़किरा हो जाता है फिर। ये लोग पता नहीं कहाँ चल गए, कितना तेज जा रहे हैं, सबको 6 लेन मिला है तो लग रहा है 110-120 सब चल रहे हैं। वैसे हम बोले थे कि अभी 40-50 किलोमीटर जो अच्छा रास्ता मिलेगा उधर कवर कर लेना, कुत्ते भाई रुक जाओ उधर ही, पीछे ना आ जाइयो। ऐसे रोड बहुत प्यारे लगते हैं, ओरिजिनल पहाड़ वाले, मतलब एक रास्ता हो, इसी से गाड़ी आए इसी से गाड़ी जाए, और ऐसे रोड बने रहे हैं तो भाई वही वाला हाल हो गया कि खाने के साथ देसी घी भी मिल जा रहा है। हमको लग रहा है दोनों आगे जा रहे हैं, नहीं गलत है, ये दोनों नहीं है। पिछले बार आए थे तो यहीं तक आगे थोड़ा तक कहीं बना हुआ था बस, इस बार तो बहुत ही बन गया है लग रहा है, एक साल में तो बहुत कुछ बन जाता है, अच्छी बात है बन जा रहा है इधर, लेकिन जितना इधर अच्छा है ना उतना आगे और ख़राब है। का क्यों नहीं मिलेगा भाई, अभी बेनी तक सब मिलेगा तुमको जो चाहिए वो, यही दोनों वो हैं, यही दोनों जो हमेशा छोड़ के भाग जाते चिकन चाउमीन खाने, यही दोनों आगे चले गए, फिर से आज यही दोनों साथ थे। अरे फर्क यही था कि वो मेरे आज पास था, नहीं तो फिर तुम लोग के साथ यहाँ बैठ के, फिर वो तुम लोग के साथ बैठ के चाउमीन खा रहा होता, तो वो थोड़ी है जहाँ पुल से मुड़े हो सीधे ना, वो नहीं है, पुल से मुड़ के इधर आना है, पेट पूजा नहीं, अरे पड़ जाएगा अभी बहुत मिलेगा, बताओ हाथ दिया है मुंह दिया है सब दिया है, वाकी टॉकी सब दिए हैं, लेकिन कोई तो। सो गाइस हम रुके थे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए कुछ खाने पीने, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया पिया था, अभी बजने वाले हैं, कितना बज रहा है राहुल?
अभी बजने वाले हैं 2, अभी हम लोग को ऑलमोस्ट जाना है यहाँ से 130 किलोमीटर। गाड़ियों का हाल बेहाल हो गया है, दिखाएं, गाड़ियों का हाल पूरा बेहाल हो गया है अभी इतने पे हाल। अभी जब ऊपर और जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे वैसे गाड़ी कलर्सफुल से होके पूरी ब्लैक ब्लैक दिखेगी केवल मिट्टी की वजह से। रास्ते अभी तक तो अच्छे हैं, नज़ारे एक नंबर हैं सारे। बाकी अपनी ब्लैक कॉफ़ी आ गई है, पीते हैं, फिर चिकन मोमो खाएंगे, फिर गायब हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं सर? स्नैप बना रहे हैं भाई। किसको भेजोगे? सबको। बस यही प्लान है आज का, देखते हैं कब पहुंचते हैं। निकल तो गए अच्छे से, बाबा जिंदगी जी रहे हैं अच्छे से अपनी। बाबा पहाड़ पे आके गोरे हो गए हैं, छोटे बाबा का तो क्या ही बोलना है, छोटे बाबा बस रील और फोन में ही रहते हैं। हम लोग का भी कॉम्बिनेशन अलग ही रहता है, ब्लैक कॉफ़ी के साथ मोमो। थापा भाई शुरू करिए, पहले हम करें, बड़े भैया ना हमारे। पहले आप शुरू कर देता है। कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, कोई हया नहीं। ये क्या बन रहा भाई? इट इज कॉल्ड तिब्बतियन फ्लैग। आओ भाई तुमको वस्त्र पहनाए, रुक ने पढ़ने पढ़ने सारा एक काट लो, मैं पढ़ रहा हूं। ऐसे चल, ऐसे ऐसी बात, धूल मिट्टी ना अंदर। पूरा फुल पैक हो गया बे, रुक और नीचे कर दे। नहीं नहीं यहां से ऐसे करेंगे ना बे, ये ऐसे पानी ना जाए। चलो यहाँ पे रुके थे हम लोग, हिमालयन न्यू होटल नागडांडा में हम लोग बेनी पहुँचने वाले हैं। अभी यहाँ से थोड़ा दूर है, बाकी बारिश थोड़ी धीरे धीरे शुरू हो गई है और एलियंस हमारे तैयार हो गए हैं। एक ही पहना एक रखा हुआ है अंदर। चलो यार जल्दी। और ये हम लोग फ्लैग भी लगा लिए अभी बैठे बैठे यहाँ पे खाते पीते। चले भाई तुम लोग रहो, हम चल रहे हैं। बस ज़्यादा तेज़ बारिश ना आए, बाकी सब तो ठीक है। गोप्रो को भी पॉलीथीन लगा दिया है सेफ्टी के लिए, वैसे तो ये वाटर प्रूफ होता है लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए लगा दिया है कि दिक्कत ना हो कोई। और वाइज़र भी अच्छे से बंद कर ले, हो गया। और धीरे धीरे चलिए क्योंकि रास्तों पे पानी गिर गया तो अब फिसलन हो गई होगी। और हम 2 साल में पहली बार देख रहे हैं कोई इंडियन प्लेट गाड़ी जा रही है मुक्तिनाथ, मतलब मस्तांग। वो भी जाए इसलिए रहे क्योंकि भाई गुरखा है, वो कहीं चली जाएगी गुरखा। हमको थार से ज़्यादा पसंद तो गुरखा ही है, गुरखा इज़ बेस्ट। बस थोड़ा लुक वाइज मार खा जाती है, लेकिन इंजन जो दमदार है ना उसका, और फ्लैग एक नंबर लग रहा होगा अब, बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक साफ रहता है बहुत सुंदर रखता है, जब गंदा हो जाता है तब फिर मन करता है क्या रहने दो। सामने बादल पहाड़ों पे आ गए, इतना अच्छा लग रहा है, सुंदर। सामने देखो राइट साइड पे मेरे, कितना सुंदर व्यू है। मतलब इससे सुंदर क्या ही हो सकता है, देखो पूरे रोड पे बादल आ गए हैं, इतना हम लोग हाइट पे हैं अभी, देखो सामने पूरे रोड पे बादल हैं। वाह मज़ा आ गया, इसीलिए वाइज़र हटा दिया, वैसे अच्छा नहीं लग रहा था, भले थोड़ी आवाज़ ख़राब हमको चलेगा। देखो पूरे रोड पे बादल हैं, पूरे रोड पे। गोप्रो में उतना नहीं दिख रहा होगा, अभी आगे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो पूरा और ज़्यादा आएगा, तब देखने में मज़ा आएगा। मस्त व्यू, एकदम मन खुश हो गया। पता नहीं क्या हुआ है, बहुत लंबा जाम लगा है। अच्छा ये ट्रक वाला फंसाया है। इधर ही रुक जाओ भाई,
आगे से ही जाम लगा है, ट्रक की वजह से नहीं फंसा हुआ है, क्योंकि लाइन अभी पीछे से देख रहे थे बहुत दूर तक थी। लगता है लैंडस्लाइड ही हुई है, अब इधर से तो जा नहीं रहे, बस उधर से ही आ रहे हैं। ये बस निकलेगी तब शायद जाए, तभी जाना है। चलो रास्ते बन रहे हैं, सिंगल लेन का रास्ता बचा है, इसलिए ये ट्रक भी फंस गई है यहाँ पे, साइड लेके चढ़ा रहा होगा, पूरी धस गई है। अब असली मजा आ रहा है ना, अब लग रहा है मस्तांग जा रहे हैं। पूरे रास्ते ऐसे ही तो हैं, हाईवे हाईवे से मजा नहीं आ रहा था, खाना नहीं पच रहा था, अभी देखो आधे किलोमीटर में ही खाना पच जाएगा। डर लग रहा है, पानी का बहाव देख के डर लग रहा है, गड्ढे से डर नहीं लग रहा है, और कोई बात नहीं है।